लोकेशंस अवार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है और बहुत ही एक ऐसा अवार्ड है जिस हर साल किया जाता है और इससे इंकरेजमेंट मिलती है फिल्म मेकर्स को कि वो अच्छे लोकेशंस पे जाएं, नए लोकेशंस पे जाएं। आप जैसे जानते हैं कि रतन जी ने इतनी फिल्में बनाई हैं, उन्होंने हर बार ट्राई किया कि अलग लोकेशन पर जाके शूटिंग करें, फ्रॉम क्रूजेज टू अदर लोकेशन ऑल ओवर यूरोप, यूएसए एक्सेट्रा। आई हैव फिल्म्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो वी ऑलवेज want to come to these kind of awards, and we wish everybody tries to go into new virgin locations and bring it on to celluloid. Sir, especially Europe ke har location achhi hoti hai, maine bahut si filmein wahan pe shoot ki hai aur jitna nature ka kamal Europe mein hai shayad utna bahut kam jagah hai. Thank you. Very awesome. लोकेशन अवार्ड्स पहली बार नहीं, मैं नहीं मानता यार, ये हर साल होता है। आई थिंक अबाउट टू इयर्स बैक, दो साल पहले भी ये अवार्ड बाय डिफॉल्ट शायद हमको मिला था। इस बार इट इज समथिंग डिफरेंट, वी डिड इन द अवार्ड शो, आई थिंक वी वर ऑनर्ड फॉर दैट टाइम। इस बार जो ये शॉर्ट फिल्म्स कर रहा हूँ शायद उसके लिए, उसके मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मुझे इन्वाइट किया आज। यार मैं देखो, लोकेशन तो सब बढ़िया अपनी जगह पे, लेकिन गिवन अ चांस, मैं खुद मेरे बेटे को बोलता हूँ कि जिस दिन वो ये डिसाइड कर लेगा कि मुझे घर से बाहर निकालना है तो मुझे न्यूजीलैंड जाके पटक दे कम से कम। तो इट्स अ गुड प्लेस, फैंटास्टिक ग्रीन एनवायरनमेंट है, शायद हिंदुस्तान में जो चीज़ नहीं देखने मिलती वो वहाँ, वो सुकून और वो ग्रीन बेल्ट है, टोटली ग्रीन एनवायरनमेंट बेल्ट है। मौका मिले हाँ, एक कुछ अरसे तक मैं पहले बोल सकता था, अब कोशिश ये कर रहे हैं हम ऐसा कुछ बनाएं, एक फिल्म बनाएं, प्रॉपर फिल्म बनाएं, बट इट शुड बी ऑन अ कॉज। जैसे मैं जितने शॉर्ट फिल्म्स कर रहा हूँ ऑल रिलेटेड टू सम सोशल मैसेजेस, सोशल कॉजेस। इसी टाइप से वी आर नाउ थिंकिंग, इफ आई गेट अ गुड प्रोजेक्ट इन हैंड वी वुड लाइक टू गेट इन टू दैट मेकिंग ऑफ फिल्म्स ऑल्सो, बट अगेन फॉर अ सोशल कॉज। लाइक अभी आपने ऑफ लेट जैसे पिंक देखी, इट्स ऑल ऑन अ सोशल मैसेज, ऑन अ सोशल कॉज। लाइक वाइज वी विल थिंक अबाउट समथिंग, अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट हाथ में आता है तो वी विल डेफिनेटली टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू सो वेरी मच। ये हमारा 14 साल है कि हम ये इवेंट करते आए हैं और इस बात की खुशी है कि इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस इंडस्ट्री से मिल रहा है हमको। और इस साल हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट किया है, धर्मा प्रोडक्शंस की अगली फिल्म लोकेशंस एंड पिक्चर एंड क्राफ्ट के थ्रू हैज़ अचीव्ड न्यू माइलस्टोन इन डेस्टिनेशन प्रमोशन एज सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड बैक्स द नेक्स्ट धर्मा प्रोडक्शन कम्प्लीटली फॉर द शूट इन सिंगापुर। देखिए वैसे तो हम दुनिया भर की सब्सिडीज़ वगैरह से लोगों को इन्फॉर्म करते ही रहे हैं, बट नाउ वी आर लुकिंग सीरियसली, देख रहे हैं कि कुछ डेस्टिनेशंस जो बहुत कीन हैं इंडियन फिल्म्स को यूज़ करने के लिए, वो इंडियन फिल्म्स में एक तरह से अपना इन्वॉल्वमेंट एट द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ले आएँ। इन द सेंस के सब्सिडी तो वो होती है कि जब हम जाके वहाँ शूट करते हैं तो उसके ऊपर वो लोग हमारा पैसा लौटाते हैं, लेकिन यहाँ ये फ़ायदा है जैसे कि सिंगापुर अभी कर रहा है तो कि वो देश ही अपने आप इन्वेस्ट करे थोड़ा बहुत अपने देश को प्रमोट करने के लिए इन एन इंडियन फिल्म। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। सर, किस तरह के लोकेशन क्रिएट आर्टिफिशियली क्रिएट किए जाते हैं किसी भी
एक्सप्लोर करने के लिए या फिर सब आर्टिफिशियल लोकेशंस तो अगर आप चाहें तो ये ब्लू स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन सीजीआई वगैरह में होते हैं, पर एक्चुअल लोकेशंस जो है रॉ मटेरियल जो है वो तो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जा सकता। सर कोई कोई पर्टिकुलर लोकेशन आप रिकमेंड करना चाहें इंडस्ट्री को कि उसको डिस्कवर कीजिए, समथिंग लाइक दैट जो आपको लगता हो? ऐसी तो साहब ऐसी कोई एक लोकेशन तो है नहीं, ऐसी तो हज़ारों लोकेशंस है। प्रकृति इतनी खूबसूरत है कि आप और उसमें इतनी सी ऐसी सारी जगहें हैं जो कि अभी तक कहीं देखी भी नहीं गई और लोगों ने एक्सप्लोर भी नहीं की है। सो आई कैन नॉट नेम वन लोकेशन एज सच। सर तेवा शूट के लिए कोई लोकेशन पसंद आती है लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए इजाज़त नहीं देती, तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट का कोई नई गुहार लगाई हो या तो आपने उनसे कुछ बात की? वो कोशिश अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ होती है। फ्रेंड फिल्म फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं वो आपके लिए प्रमोशन के लिए और आपकी शूटिंग के लिए दे देती हैं। फ्रांस जैसी कंट्री है वो 24 घंटे में लूवर जैसी जगह दे दी थी उन्होंने विपुल शाह को शूट करने के लिए। और कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि ब्यूरोक्रेसी चलती है, करप्शन चलता है, तो वहाँ पर आपको 27 परमिशन लेनी पड़ती है। बट इंडिया इज इम्प्रूविंग नाउ, बहुत सी जगह पर सिंगल विंडो क्लियरेंसेस आ रही है। थैंक यू वेरी मच। जी एक्चुअली यू सी भारत जो है बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही सुंदर नेशन है और हमें आम जनता के लिए कि या पब्लिक को ऑडियंसेस को पता ही नहीं कि हमारे भारत में इंडिया में कहाँ कहाँ के कौन से लोकेशंस हैं। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। प्रोड्यूसर्स जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री ये भी एक्सप्लोर कर रही है अलग अलग लोकेशंस और बस इंडस्ट्री ही नहीं तो ये ऑडियंस तक भी यानी मूवीज़ के जरिए ऑब्वियसली दिस कुड बी एक्सप्लोर्ड। इतना ही नहीं एक टूरिज्म जैसे कहते हैं कि जब शूट होता है किसी शहर में एक तरह से वहाँ पे देयर इज एन एम्प्लॉयमेंट हैपनिंग और उस जगह की टूरिज्म बढ़ती है क्योंकि इट्स रीचिंग द ऑडियंस। तो आई थिंक दिस इज़ एन एक्सीलेंट एक्सीलेंट इनिशिएटिव एंड यू शुड कीप डूइंग मोर ऑफ दिस। और आज अवार्ड फंक्शंस हो रहे हैं, आई थिंक आप जो भी कर रहे हैं बहुत सही जा रहे हैं आप और बहुत सही कर रहे हैं। उसमें और ज़्यादा मैं कुछ आपको सजेस्ट करना सही नहीं होगा बट दिस इज़ अ ग्रेट ग्रेट इनिशिएटिव। वैसे तो मैं खुद एक बहुत एक मैं एक्सप्लोरर हूँ और मैंने बैकपैक ट्रैवलिंग की है और 3-4 महीने तक के क्योंकि मुझे इंटीरियर्स इंडिया मैं देखना चाह रही थी। बट आई एम श्योर यहाँ पे जो अवार्ड्स हो रही हैं ये सिर्फ इंडिया या तक सीमित नहीं है, राइट? इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन सो दिस इज़ ऑल अदर लोकेशंस आउटसाइड। यहाँ पे बहुत सारी जगह गवर्नमेंट हेल्प करती है मूवी फिल्म प्रमोशन सॉरी फिल्म शूट्स के लिए, तो ये बहुत हमारे प्रोड्यूसर्स को पता भी नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा जरिया उन तक पहुँचने में। अब मुझे अगर कोई मैं खुद एक ट्रैवलर हूँ तो अगर मुझे कहा गया कि आप कोई एक लोकेशन चूज़ करो तो ये बहुत ही गलत होगा। मैं तो हर जगह जाना चाहूँगी, राइट फ्रॉम द इंटीरियर सो ऑफकोर्स बाहर भी जाना चाहूँगी। मैं खुद क्रूज पे जॉब कर रही थी तो काफ़ी इंटरनेशनली ट्रैवल करती थी। इन दिनों नहीं हो पाता है लेकिन ये सब कोर्स मैं कहीं पर सारी जगह एक्सप्लोर करना चाहूँगी। थैंक यू। First of all, to begin with, congratulations to Sudhanshu, very close friend and a business associate. I think he's an authority when it comes to identifying the right destinations for the right projects. He has been working on locations for a very long time. I was here last year also, and there were a lot of takeaways back when we went back home. We are back again now. This time it's at a even better scale. We just finished with the Indian destinations. We're going to be moving to the international destinations now. Sudhanshu, I think, is in a way redefining the way people are looking at the business of motion pictures. And locations has played a very, very important and a pivotal role. It is growing and is now, I'm sure, in the times to come, is going to be the first most preferred destination partner for any motion picture project. Destination location ki baat kare to aap aise kaun si cheeze dhyan mein rakhte hain ek normal shoot ke liye bhi agar hum
पहले तो मैं एक्सप्लेन कर दूं, मैं ये मानता हूं कि अगर किसी फिल्म में एक लीड एक्टर हैं और एक लीड एक्टर एक्ट्रेस हैं, तो जो एक तीसरा कैरेक्टर होता है वो जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हर सीन का उतना ही इम्पोर्टेंट मेंबर होता है जितना कि एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं, वो वहाँ उस सीन की लोकेशन होती है, उसकी बैकड्रॉप होती है. सो द राइट लोकेशन एक्चुअली एड्स द राइट सोल, यू नो, हैज़ इट्स ओन सोल, लेंड्स इट्स ओन सोल टू एवरी फिल्म. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यू नो, इफ यू लुक एट, यू नो, प्योरली फ्रॉम अ प्रोडक्शन वैल्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू जस्ट गो अबाउट चूजिंग द राइट लोकेशन फॉर द राइट प्रोजेक्ट, इट कम्प्लीटली रीडिफाइंस द लुक एंड फील ऑफ द प्रोजेक्ट. इट्स एन एक्सपीरियंस. फिल्म मेकिंग इज एन एक्सपीरियंशियल बिजनेस. और लोकेशंस जो हैं, जो सही लोकेशन, फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट स्लम डॉग मिलेनियर की का बैकड्रॉप देखें, यू नो, इट्स सो ब्रिलियंटली, यू नो, द कैरेक्टर, यू नो, एवरी कैरेक्टर, एवरी फिल्म, एवरी सीन इन द फिल्म वाज ब्रॉट आउट सो ब्रिलियंटली, यू नो, विद द राइट लोकेशंस. So, Slumdog Millionaire actually redefines, in is my personal favorite when it comes to choosing the right locations.